हे गाइस, तो वेलकम टू आरजेटी बिंदास। तो अभी अभी जस्ट मैंने यार कोट नाम की मूवी का एक ट्रेलर देखा यार। उस ट्रेलर को देख के मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि यार मैं विवान श्या और संजय मिश्रा की एक्टिंग तो मेरे को अच्छी लगी, लेकिन जो इसकी कहानी दिखाई गई है वो पूरे ट्रेलर में रिवील कर दी है। प्लस यार वो कहानी वो जातिवाद को लेके या फिर थोड़ा सा एक मतलब भेदभाव को लेके ही दिखाई गई है, और प्लस सिनेमेटोग्राफी मेरे को अच्छी लगी यार। पहली बात तो यार इसमें नया क्या है, मैं ये पूछना चाहूंगा डायरेक्टर से कि इसमें नया क्या है कि यार आज 2023 चल रहा है, एक कोर्ट को लेके यार आई थिंक थोड़ा सा ये इलॉजिकल लगा मेरे को। आई थिंक मेरे को संजय मिश्रा की एक्टिंग बच्ची अच्छी लगी। प्लस यार जो नसरुद्दीन शाह के जो लड़के हैं उसके बेटे का विवान शाह नाम है, वो भाई जबरदस्त एक्टर है, मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यार पट कथा को रिवील तो कर रहे हो, लेकिन अब दिखाने का तरीका डायरेक्टर का कैसा रहेगा वो रहेगा। प्लस यार एक कोर्ट को लेके थोड़ा सा यार मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। हालांकि ट्रेलर अच्छा है, लेकिन नया क्या है, सवाल ये पूछता है। नया अगर आप दिखाने की कोशिश करोगे उसमें तो ही अच्छा लगेगा। हाँ ट्रेलर थोड़ा ठीक ठीक लगा मेरे को। प्लस यार मुझे यार इतनी बड़ी अच्छी स्टार कास्ट होने के बावजूद भी आप इससे तो बढ़िया यार कल जो एक ट्रेलर आया था ना वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, क्या नाम, वो जगीरा सरारा, वो मेरे को अच्छा लगा इसके मुकाबले। हालांकि अब देखते हैं संजय मिश्रा है, प्लस यार बड़ी अच्छी अच्छी स्टार कास्ट है जो मुझे ऐसी मूवी बनाता है, देखते हैं कैसा लगेगा। अभी तो ट्रेलर देख के मेरे को ठीक ठाक सा लगा, नया क्या है वही जानने के लिए इस ट्रेलर को देखेंगे, सॉरी इस मूवी को देखेंगे। अब क्या पता लगेगा, मुझे तो अच्छा अच्छा लगा, अच्छा है, संजय मिश्रा से उम्मीद है, देखो अब क्या होता है। थैंक यू सो मच।